नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के सबसे सस्ते इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे LIC ने पिछले साल 18 फरवरी 2019 को मार्केट में लॉन्च किया था। LIC ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, उसमें बदलाव करके उसे वापस पुनः 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्लान है। वह है LIC का माइक्रो बचत प्लान। इस प्लान की अगर बात करें तो LIC ने इसमें प्रोटेक्शन एंड सेविंग ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। प्लान फीचर की अगर बात करूं यहां पर, तो LIC ने इसमें विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन के ही प्लान लेने की सुविधा दी है। दूसरा, जो इसका प्रीमियम होगा बाकी के प्लान से वो काफी कम होगा। इसका जो ऑटो कवर ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, और इसका जो प्रीमियम है वो विदाउट GST के है, मतलब उसमें GST इंक्लूडेड नहीं रहता है। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की अगर यहाँ पे बात करूं, तो LIC ने इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री रखी है 18 वर्ष, जो कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री यहाँ पे LIC ने 55 वर्ष दी हुई है, जो नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है पॉलिसी का वो 70 ईयर्स है, मतलब 70 साल की उम्र तक ये पॉलिसी मैच्योरिटी दी सकती है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करो तो यहाँ पे मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है। प्रीमियम पेइंग टर्म में LIC कह रही है, जो भी आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतना ही साल आपको प्रीमियम भरना होगा। अगर आपने 10 साल लिया है तो 10 साल प्रीमियम भरना है, 15 साल लिया है तो 15 साल प्रीमियम भरना है। मिनिमम एंड बेसिक सम इंश्योर्ड की पे बात करें तो मिनिमम जो है 50,000 रुपया है, और मैक्सिमम यहाँ पे LIC ने 2 लाख रुपया रखा हुआ है, मतलब 2 लाख से ज्यादा आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल आप 5,000 से मल्टीपल कर सकते हैं अबव 50,000 के लिए। प्रीमियम पेइंग मोड की अगर बात करें तो LIC ने इसमें ईयरली ऑप्शन दिया है, हाफ ईयरली ऑप्शन दिया है, क्वार्टरली ऑप्शन दिया है और मंथली ऑप्शन दिया है। मंथली ऑप्शन में ECS मतलब नैश फॉर्म के द्वारा आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, या तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सर्विस एम्प्लॉय है, उनके अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, या तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, या तो जो भी प्रीमियम भरा है उसके डेथ होने के पहले यहाँ पे LIC उसका 105% देगी। अब इन तीनों विकल्प में से जो भी विकल्प की राशि ज्यादा होगी वहीं पे यहाँ पे नॉमिनी को दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट की अगर बात करें तो LIC ने सीधा कहा है कि जो भी मेच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, प्लस उसके साथ में जो लॉयल्टी एडिशन है वो दिया जाएगा। रिवाइवल पीरियड, अगर आप किसी भी महीने में प्रीमियम भरना भूल गए ग्रेस पीरियड के दौरान, तो उसके बाद पॉलिसी को आप 5 साल के पीरियड में रिवाइव कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, माइक्रो बचत प्लान लेने के बाद आप पॉलिसी को एनी टाइम, मतलब फर्स्ट प्रीमियम के बाद भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, इसमें यह ऑप्शन दिया हुआ है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू एंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू, अगर इसकी बात करें तो LIC ने यहाँ पर सरेंडर करने के लिए, लोन लेने के लिए इसके समय में बदलाव कर दिया है, मतलब 3 साल से 2 साल कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी इनके फैक्टर्स हैं, यानी कि जिसके बेसिस पर सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी, वह भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो आप इसके बारे में अपने पॉलिसी की बॉन्ड में देख सकते हैं कि LIC इसके फैक्टर्स में क्या चेंजेस की है, क्या बदलाव की है। लोन फैसिलिटी की बात करें तो LIC ने यहाँ पे कहा है कि 2 साल के बाद आप पॉलिसी पर कभी भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 साल का प्रीमियम पूरा भरा होना चाहिए। मैक्सिमम लोन लेने के लिए LIC ने यहाँ पर कहा है कि 70% ऑफ सरेंडर वैल्यू मिलेगा तभी जब पॉलिसी इन्फोर्स होगी। अगर पेड अप वैल्यू में है पॉलिसी, तो वहां पर LIC 60% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन देगी। जिस LIC जो भी लोन पास करेगी उसके लिए LIC इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ग्रेस पीरियड की बात करें तो LIC ने इस प्लान में टोटल 30 दिन का समय दिया है, वह भी सिर्फ उन्हीं योजनाओं के लिए जिसमें बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान सालाना 6 महीना और 3 महीना करता है। यहां पर ध्यान देना यह भी होगा कि जो व्यक्ति महीने का प्रीमियम का भुगतान करता है उसे LIC 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है। एडिशनल एग्जिस्टिंग राइडर, LIC ने यहाँ पर 2 राइडर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, जिसे आप पॉलिसी के साथ में जोड़ सकते हैं। इस राइडर ऑप्शन को आप अपने पॉलिसी के समय भी जोड़ सकते हैं, जब आप पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, या तो तब जोड़ सकते हैं जब पॉलिसी का 5 साल का प्रीमियम भरना बाकी हो, तो ही इसके साथ में जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ मेच्योरिटी केस, अगर इसके बारे में बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है।
जिसमें पॉलिसी होल्डर की एज 25 वर्ष है, पॉलिसी टर्म 15 साल का है और सम एश्योर्ड 2 लाख का है। 25 साल में पॉलिसी स्टार्ट होती है, टोटल 40 साल तक उसे प्रीमियम भरना होगा, जिसके लिए उसे एनुअल प्रीमियम भरना होगा 9914 रुपया। मतलब सालाना प्रीमियम जो आ रहा है 9914 रुपया, जिसके पीछे एलआईसी उस प्रीमियम पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर रही है। पहले साल इसने प्रीमियम भरा 9914, दूसरे साल भी 9914, इसी तरह वो 15 साल तक टोटल 9914 रुपया प्रीमियम भरता गया, जिसपे 40 साल की उम्र में उसे मैच्योरिटी मिल जाती है। 15 साल में उसने टोटल जो प्रीमियम पे किया है वो 1,48,710 रुपया। अगर इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे एलआईसी प्रोवाइड कराएगी, तो लॉयल्टी एडिशन भी उसका बेनिफिट उसे तभी मिलेगा जब उसने कम से कम 5 साल का प्रीमियम पे किया होगा। मतलब 5 साल के बाद ही उसे लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो मैच्योरिटी केस की बात करें तो मैच्योरिटी पे इसको 2 लाख सम एश्योर्ड प्लस 65,000 का लॉयल्टी एडिशन, मतलब टोटल उसे 2,65,000 रुपया मिल रहा है 15 साल की उम्र में, मतलब एज ऑफ 40 में उसे 2,65,000 रुपया मिल जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ डेथ केस, इस केस में अगर बीमा धारक की मृत्यु नॉर्मल मतलब नेचुरल डेथ होती है तो उसे यहाँ पे उसके नॉमिनी को किस तरह का पैसा मिलेगा वो भी देख लेते हैं। अगर 4 साल में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो एलआईसी कहती है फर्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब पॉलिसी लेने के बाद पहले 5 साल में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मतलब वो 2,00,000 रुपया दे दिया जाएगा। अगर यही डेथ उसकी 10 साल की उम्र में होती है, मतलब एज 35 में होती है, तो यहाँ पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा, जो लगभग होगा 2,00,000 रुपया सम एश्योर्ड प्लस 44,000 रुपया लॉयल्टी एडिशन, तो टोटल होता है 2,44,000 रुपया। अब हम बात करेंगे एक्सीडेंटल डेथ केस के बारे में। अगर यहाँ पर देखें तो मैंने लिया है एक्सीडेंटल डेथ केस के बारे में, अगर बीमा धारक की मृत्यु उसके पॉलिसी के 10 साल में हो जाती है, मतलब एज ऑफ 35 में बीमा धारक की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर जो क्लेम अमाउंट है वो मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लस लॉयल्टी एडिशन। जो होता है क्लेम अमाउंट लगभग सम एश्योर्ड 2,00,000 रुपया, 2,00,000 का एक्सीडेंट बेनिफिट प्लस 44,000 का लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट, तो टोटल अमाउंट होता है 4,40,000 रुपया, तो वो अमाउंट यहाँ पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे वेबसाइट www.lsinsure.in पर विजिट कर सकते हैं, अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lsinsure1@gmail.com पर, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।